आप लोग सुन पा रहे हैं मेरी आवाज़? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक चल रहा है 27 अगस्त तक, इसलिए मैं यहाँ पे आज हाजिर हुई हूँ कुछ है अवेयर करने के लिए माओ को कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कराई जाए, उसके क्या फायदे हैं कराने के, आना कराने के क्या नुकसान है, इन सब चीजों के बारे में मैं खास करके जो हमारे पेशेंट यहाँ पे आते हैं उनको अवेयर करने के लिए हाजिर हुई हूँ। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि ये जो ब्रेस्ट फीडिंग है इसके कराने के फायदे माँ और बच्चों पे क्या है और ना कराने के नुकसान माँ और बच्चों दोनों पे क्या है। तो फायदे जो है खासकर बच्चों के लिए जो है कि ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल ही 6 मंथ तक हमारे डॉक्टर साहब भी कहीं जाते होंगे जहाँ डिलीवरी होती होगी वहाँ पे डॉक्टर साहब को बोलते होंगे कि 6 महीने सिर्फ माँ का दूध देना बच्चों को और कुछ भी नहीं देना है बाहर से, जैसे कि पानी तक भी नहीं देना आपके अपने बच्चों को और बिल्कुल अपना ही दूध देना है। तो जब बच्चे डिलीवर होते हैं मतलब होश में होती है तो तभी डॉक्टर बोलते हैं कि अपना दूध लगाओ बच्चे को, माई कहती है हमें दूध नहीं आ रहा, नहीं आ रहा मैं कैसे मैं किस तरह से दूध, नहीं ये चीज आपको नहीं सोचना है कि दूध नहीं आ रहा है। आप जितनी जैसे ही बच्चा आपका डिलीवर हुआ विदिन 10 to 15 मिनट से आप अपने बच्चे को अपने ब्रेस्ट को स्पॉन्ज करें वार्म वाटर से और अपने बच्चे को ब्रेस्ट में लगाए, जैसे ही वो सक करेगा आपके ब्रेन को स्टिमुलस जाता है और वो कुदरती तौर पर ही दूध का प्रोडक्शन होने लगता है। फिर बच्चे जितनी बार सक करेंगे 2 से 3 दिन के अंदर में दूध आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये गलत फहमी होती है कि नहीं दूध नहीं आ रहा छोड़ बाहर से बच्चे को, गाँव में बहुत सारे लोगों के अंदर ये गलत फहमी होती है, मीट होता है कि हम बच्चे को शहद चटा दें या गाय का दूध दे दें, ये सब चीजें तो बिल्कुल नहीं देनी है। गाय का दूध तो नहीं देना है क्योंकि वो बहुत गाढ़ा होता है माँ के दूध के मुकाबले में और उससे क्या होता है बच्चे के पेट में दर्द होता है, एसिडिटी होती है, इवन किडनी पे भी उसके इफेक्ट पड़ सकता है। तो इन सब चीजों को सोचते हुए सिर्फ और सिर्फ अपना ही दूध दें। अब इसके कराने के जो फायदे माँ को है, एक तो बच्चे और माँ का इंटरेक्शन बढ़ता है इमोशनली, मतलब एक दूसरे से दोनों को अटैचमेंट होती है और फिर माँ के भी बहुत सारे मतलब माँ के जो शरीर पे इसके फायदे हैं वो ये है कि माँ के जो मतलब माँ को जो आगे चल के अगर ना कराए ब्रेस्ट फीडिंग तो उसको कैंसर के ब्रेस्ट कैंसर के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो वो तो आगे की बात है। फिलहाल में अगर उसको मिल्क आ रहा है और माँ ब्रेस्ट फीडिंग अपने बच्चों को नहीं करा रही है, बहुत सारे मतलब ऑस्टियोपोरोसिस जैसे कि घुटनों वगैरह में दर्द होता है ये इन सब चीजों से भी बचाता है। अगर आप अपने बच्चे को सारे बच्चे को अगर ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तो एक आपका एल्डरली एज जो होगा 40-45 तक जाएंगे तो इन चीजों में आपको मतलब कमी मिलेगी, जो माएँ नहीं करवाती है उनको ज्यादा होती है। बच्चों का जो ये डेवलपमेंट होता विकास होता है वो देखा गया है कि जिन बच्चों को बाहर का दूध दिया गया किसी भी रीजन से, चाहे वो माँ ना करवाना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग, चाहे वो कोई मतलब उनके अंदर बीमारी हो, बहुत सारे डॉक्टर मना भी करते हैं कि ब्रेस्ट फीड नहीं कराना है आपका, मतलब आपके पास अगर कोई इन्फेक्टिव डिजीज है आपको कोई परेशानी है माँ को तो बच्चे को वो चला जाएगा, आपको नहीं कराना है अपना दूध नहीं पिलाना है, तो इस वजह से डॉक्टर मना करते थे तो माँ ना देती। तो ये चीज देखा गया है, हम डॉक्टरों ने नोटिस किए हैं कि बच्चे जो बाहर का दूध पिए हैं चाहे वो लैक्टोजेन देते हैं 1 नंबर 1 to 6 मंथ तक के बच्चे को या फिर गाय का दूध दिए हैं तो उन बच्चों में पेट में दर्द हमेशा रहा, निमोनिया सर्दी खांसी हमेशा रहता है। जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनमें ये चीजें बहुत कम पाई जाती है, मतलब ना के बराबर ऐसे, मतलब वेदर चेंज होता है मौसम चेंज होता है तो सर्दी खांसी तो होता ही है या फिर माँ को उस तरह की परेशानी है सर्दी खांसी है तो बच्चों में हो सकता है, लेकिन उनके कंपेरिजन में इन बच्चों को बहुत कम होता है। और मेंटली मतलब कि दिमाग का विकास बहुत ज्यादा अच्छे से होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता, चाहे आपके बच्चे जितना भी बालू में पानी में खेले लेकिन उनको वो इतना बीमार नहीं पड़ते जितने कि जो बाहर का दूध पीते हैं, उन बच्चों को वो जल्दी असर करता है, एनवायरमेंट का जैसा होता है वो जल्दी असर होता है। अब पहले बात की इसको कराया कैसे गया, बहुत माएँ इस पर ध्यान नहीं देती है, खासकर जो गाँव में लोग होते हैं उन्हें लगता है कि चलो बच्चा को उठाया लेट जाओ और उन्हें मतलब ब्रेस्ट फीड करा दो, नहीं इतना कराने का भी तरीका है प्रॉपर वे में कराया जाए ताकि वो बच्चों को नुकसान ना करे। अगर आप उन्हें ब्रेस्ट फीड सही से नहीं करवाती हैं ताकि बच्चों को फायदा के साथ
काम भी कर सकता है। तो आराम से बैठे, रिलैक्स होकर बच्चे को उठाए, प्रॉपर फुलको छूटा गोद में ले, और इस पोजीशन में बच्चे को हेड होना चाहिए और नीचे की तरफ उनका एक हैंड जो उनके बैक पे डालिए, एक हैंड इस तरह से रखिए और बच्चे को प्रेस से लगाइए। लगाने के टाइम में भी आपको ध्यान देना है कि बच्चे जो है निप्पल फिटिंग ना करे, ब्रेस्ट फिटिंग करे, सिर्फ निप्पल ना पकड़े। जो निप्पल के साइड में ब्लैक एरिया होता है उसको हम एरियोला बोलते हैं, उसको भी वो ले पूरा मुंह तो शक सही से कर पाए प्रॉपर, ताकि वो बच्चे प्रॉपर उसको मिल सके, वो ग्रिप ले सके। तो इस तरह से मतलब ध्यान देना चाहिए माँ को। और फिर ड्यूरेशन पे देखना चाहिए कि अगर हम करवा रहे हैं मिनिमम 10 मिनट्स आपके बच्चे को लगाए रखना है, क्योंकि जो बच्चे न्यू बॉर्न होते हैं वो इतना एक्टिव नहीं होते कि वो इतनी जल्दी जल्दी मतलब दे सके। तो आपको लगाए रखना है, जब उसका टमी फुल हो जाएगा वो खुद को कुछ छोड़ देगा, तो आपको उसको तुरंत नहीं मतलब हटाना नहीं है, उससे आपके निप्पल में इंजरी हो सकती है, बच्चों को भी दिक्कत हो सकती है। तो उसको लगाए रखना है 10 से 15 मिनट तक मिनिमम, ज्यादा वो जितना देर लगा रहे हैं सो जाता है, कितने बच्चे सो जाते हैं, तो लगाते रखना है। और ये भी ख्याल रखना है कि दोनों ब्रेस्ट में जो है करवाना है, अगर 10 मिनट करवा रही है तो 5 मिनट इसमें 5 मिनट इसमें करवाना है, इससे क्या होगा आपके दोनों ब्रेस्ट में मिल्क का फॉर्मेशन इक्वली होगा। और आपको जो बच्चे छोटे होते हैं उनके खुराक ज्यादा नहीं होती है, लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो उनको नीड हो जाती है, जैसे 6 महीने तक बिल्कुल आपको माँ का दूध पिलाना है, अगर बच्चे आपके 5 महीने के होंगे तो उनको नीड ज्यादा होगी। आप एक ही ब्रेस्ट से अगर करवाएंगे तो मिल्क का फॉर्मेशन एक ही ब्रेस्ट में ज्यादा होगा, दूसरे में नहीं होगा, ये हार्मोन की वजह से होता है। तो दोनों में सेम टाइम पर करवाना है, दोनों में प्रॉपर करवाना है। करवाने के बाद भी ध्यान रखना है थकान का, जो थकान होती है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बर्थ जो होता है वो बच्चों को दिखाना है, उससे क्या होगा कि एसिडिटी नहीं होगी, जब बच्चे दूध पीने लगे तो कुछ खबर नहीं है, हमारी बीते जब जाँच कर रही है उससे उसका डिलीवरी होती है, यह करवाना बहुत जरूरी है। हाइजीन का ख्याल रखना है, 1 से 2-3 दिन के अंदर में बच्चे का जो है जैसे कि टंग में एक ब्रश टाइप का एक लेयर मोटी जम जाती है, क्योंकि तो बच्चे वो तो कुल्ला वगैरह ब्रश वगैरह कर नहीं सकते, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। कॉटन कपड़े को एकदम साफ कपड़ा हुआ उसको तुरंत दूध पिलाने के बाद नहीं करना है, जब आप मसाज करने जा रहे हो उस टाइम बच्चे को इंडेक्स फिंगर में उसको ये वाली फिंगर में उस कपड़े को लपेट के उसके टंग को क्लीन करना है, ठीक है। ये 2-3 दिन के इंटरवल पे आप कर सकते हो, लेकिन ज्यादा नहीं दिन नहीं छोड़ना, उसके मच्छर होने के चांसेस होते हैं। और हाइजीन का ये हो गया। और जैसे बहुत सारी माओं का होता है कि ये हमारा बच्चा जो है मतलब दूध नहीं लेता है, या हमें दूध नहीं हो रहा है, हम मैम क्या करें, बाहर का दूध कैसे प्रिफर करें, नहीं बहुत आपको खुद अपनी कोशिश करनी है, बच्चे का मतलब कि वो करना है कि बार बार उसको लगाना है, बच्चे सोए रहते हैं, हमें तो नहीं पता ना कि उसे भूख लगी है, या वो बताने वाला नहीं है, लेकिन वो कड़ाई करता है, कड़ाई एक साइन होता है, बहुत सिग्निफिकेंट साइन होता है कि बच्चा रोएगा तो हम समझेंगे कि उसको दूध पिलाना, लेकिन बहुत सारी कंडीशन में बच्चा नहीं सोता है, जो न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं वो 17 से 18 घंटा सोते हैं, तो वो नहीं रोएगा, तो कम से कम आपको 2 घंटे कम से कम 1 घंटे तो उसको उठा के देना है, ज्यादा से ज्यादा अगर लंबा सो रहा है तो 2 घंटे तो उसको उठा के देना है दूध, लेकिन उसको देना है प्रॉपर, उससे आपका भी फायदा होगा, बच्चों का भी होगा, क्योंकि आपको भी दूध आएगा और बच्चे भी लेना स्टार्ट कर देंगे। बहुत सारी कंडीशन में अगर नहीं है तो उसका फिर और है कि आप बाहर से दे सकते हो, उसको किस तरह से देना है वो आप किसी अच्छे डॉक्टर से मिलिए, बच्चे के डॉक्टर से वो आपको बताएंगे, ठीक है। नहीं तो मैं अपनी बातों को खत्म करती हूं। एक क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं मैम, बच्चों को ग्रोथ नहीं बढ़ा उसका कोई कारण, ये कौन सा चीज है कि बच्चा को ग्रोथ बढ़े, कितने एज को बढ़े, 5 ईयर्स है मैम, ग्रोथ कितना एज कितना उसका बच्चा कितना है आपको, 12 है मैम, 12 की भी है, हाँ मैम, 5 साल का बच्चा, हाँ आपके हिसाब से कितना होना चाहिए, हमें तो हमारे हिसाब से तो 16-17 होना चाहिए मैम, अभी इतना ही है मैम, ज्यादा भी नहीं है, हमने अपना दूध पिलाया था जी मैम, 2 साल, 2 साल, हाँ मैम, कोई बात नहीं है, आप यहाँ आ सकती है, बच्चे को लेकर पीडिया ओपीडी मिल सकती है, ठीक है, हम उसको देखेंगे, उसका वेट देखेंगे, उसकी हाइट देखेंगे, उसके साथ एडजस्टमेंट किया जाता है कि वेट क्या होना चाहिए, उसका वेट क्या होना चाहिए, 12 किलो बहुत कम वेट नहीं है, अंडर वेट नहीं है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी सभा में इतनी खुलकर बात करना और